वीडियो में हम लोग देखे थे कि असमानता के संबंध में, कि समानता क्या है, इसके संबंध में सामाजिक व्यवधान क्या है, और आज हम लोग देखेंगे असमानता के प्रचलित रूप, जो बीपीएससी प्रधानाध्यापक के बीएड पाठ्यक्रम के यूनिट 5 का सेकेंड टॉपिक, थर्ड टॉपिक। असमानता के रूप की बात की जाए तो सबसे पहले आर्थिक असमानता पे आते हैं। जब आर्थिक तौर पर किसी भी व्यक्ति में भेदभाव किया जाता है तब उसे आर्थिक असमानता कहते हैं। इसे 2 भागों में बांट सकते हैं। एक आय असमानता, आय असमानता का मतलब जनसंख्या में असमान आय का वितरण होता है। समान वितरण जितना कम होगा, आय असमानता उतनी ही अधिक। धन असमानता, आय असमानता धन असमानता से जुड़ी है, तो धन के असमान वितरण का कारण बनती है। ये हो गई आय संबंधी असमानता। अब सामाजिक असमानता पे आवे तो सामाजिक असमानता तब होती है जब किसी समाज में संसाधनों को असमान रूप से बांटा जाता है। यह असमानता सत्ता, धर्म, रिश्तेदारी, प्रतिष्ठा, नस्ल, जातीयता, लिंग, उम्र, यौन अभिविन्यास और वर्ग इत्यादि के आधार पर होती है। यह सामाजिक जो असमानता है, ये मुख्यतः 5 प्रकार की होती है। पहले राजनीतिक असमानता। राजनीतिक असमानता सरकारी संस्थानों तक पहुंचने की क्षमता के कारण उत्पन्न असमानता। उदाहरण के लिए, कुछ सरकारी सुविधाएं या अवसर होते हैं जिसमें शामिल होने का अधिकार केवल खास व्यक्ति को होता है। जैसे अभी अगर आप राशन कार्ड जो देखें, या फिर राशन कार्ड जो है वो सबों को नहीं मिल पाता है अनाज। जो कार्डधारी हैं या जो कि किसी खास आर्थिक कोटि में आते हैं, उन्हें को ये सुविधा मिल पाती है। पेंशन योजना है, ये सभी को सरकार की तरफ से नहीं मिल पाती। तो ये सरकार या फिर मुख्यमंत्री की कई ऐसी योजनाएं हैं या प्रधानमंत्री की ऐसी कोई योजनाएं हैं जिसका उद्देश्य किसी खास वर्ग को लाभ पहुंचाना, जिसे, या ये भी दूसरे शब्दों में ये कहें कि हो सकता है किसके दूसरे एंगल से देखें तो इसमें वोट बैंक की राजनीति हो सकती है कि वो हमारे वोट बैंक के रूप में आवे। ये असमानता, राजनीतिक असमानता कहलाती है। दूसरा है उपचार और जिम्मेदारी असमानता। उपचार और जिम्मेदारी असमानता में कुछ लोगों को अधिक लाभ होता है और वह दूसरों की तुलना में जल्दी से अधिक विशेष अधिकार प्राप्त कर लेते हैं। वर्किंग स्टेशनों में कुछ लोगों को अधिक जिम्मेदारियां दी जाती हैं और इसलिए उन लोगों को बाकी तुलना में बेहतर मुआवजा और अधिक लाभ मिलता है। ये हो गई जिम्मेदारी अधिक, लाभ अधिक, ये हो गया उपचार और जिम्मेदारी असमानता। तीसरा है सदस्यता असमानता। सदस्यता असमानता एक परिवार, राष्ट्र या धर्म में सदस्यों की संख्या होती है। ठीक है, जैसे सपोज कीजिए कि 2 NGOs हैं या फिर 2 संगठन हैं। एक संगठन के अधिक मेंबर हैं और एक संगठन के कम मेंबर हैं, तो अधिक मेंबर वाले संगठन उससे अपने आप को कम संगठन वाले से बेहतर समझते हैं। ये हो गया सदस्यता असमानता। लिंग असमानता। लिंग असमानता वह है जिसके द्वारा श्रम को विभाजित किया जाता है, भूमिकाएं और जिम्मेदारियां सौंप कर पुरुषत्व और स्त्रीत्व के कारण महिलाओं और पुरुषों के साथ अलग अलग व्यवहार किया जाता है। लिंग आधारित भेदभाव, जिसे लिंगवाद कहा जाता है, सामाजिक असमानता में प्रमुख योगदान देता है। ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ दोनों में अधिकांश राज्यों में राजनीतिक गतिविधियां और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व पुरुषों की तुलना में कम है। यह हो गई लिंग संबंधी असमानता। अब आते हैं नस्लीय और जातीय असमानता। नस्लीय या जातीय असमानता एक समाज के भीतर नस्लीय और जातीय श्रेणियों के बीच सामाजिक भेदों का परिणाम है। इसे अक्सर त्वचा के रंग और अन्य भौतिक विशेषताओं या किसी व्यक्ति के मूल स्थान जैसी विशेषताओं के आधार पर, ये थे असमानता के मुख्य रूप, कॉमन रूप। अब आते हैं कि भारत में जो हमारे देश में असमानता के क्या रूप, तो भारत में जो सामाजिक असमानता है उसमें लिंग असमानता है,
इसका अगर हम लोग तुलनात्मक विश्लेषण करें तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार भारत में लिंग वेतन अंतर सबसे अधिक है। पूरे वर्ल्ड में सर्वाधिक लिंग वेतन अंतर जो है भारत में है। महिलाओं को पुरुषों की तुलना में 34% कम वेतन भुगतान किया जाता है। ऐसा गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं है, प्राइवेट सेक्टर्स में ऐसे है। मानवीय भारतीय मानव विकास सर्वेक्षण IHDS इंडियन ह्यूमन डेवलपमेंट सर्वे जो है उसके अनुसार देश में कृषि श्रम शक्ति में महिलाओं की हिस्सेदारी 42% से अधिक है, फिर भी उनके पास 2% से भी कम कृषि भूमि है। इसके पीछे कारण भी है कि जो जमीन है, जो खेती है, वो पुरुषों के नाम है। और धर्म और समानता, धार्मिक पहचान के कारण आर्थिक बहिष्कार और अन्य प्रकार के भेदभाव हो सकते हैं जो नौकरियों आजीविका के अवसरों को प्रभावित कर सकते हैं। तो इस पर विशेष चर्चा की आवश्यकता नहीं है, ये सभी मुद्दे हमेशा बने रहते हैं। अब जातीयता असमानता, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2015-16 नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 से पता चला है कि अनुसूचित जाति की आबादी के 26.6% अन्य पिछड़ा वर्ग के 18.3% अन्य जातियों के 7.9% की तुलना में अनुसूचित जनजाति आबादी का 45.9% सबसे कम धन अर्जित करता था। ये जातीय असमानता से पता चलता है जो पिछड़े हैं उन सबसे ज्यादा पिछड़ा अनुसूचित जनजाति है और उसके पास सबसे कम धन। ठीक है, अब है कि आर्थिक असमानता, भारत में 10% के पास कुल राष्ट्रीय संपत्ति का 77.4% हिस्सा है, यानी 77.4% हिस्सा सिर्फ 10% लोगों के पास, जबकि बचे हुए जो है उसके पास 51.53%। ठीक है, 13.6 करोड़ भारतीय जो देश के सबसे गरीब लोग हैं पिछले 15 वर्षों से कर्ज में डूबे। 2017 में भारत में धन का गिनी गुणांक 0.83 है। गिनी गुणांक हम इकोनॉमिक्स के वीडियो में डाले हुए हैं क्या होता है, जो भारत को उच्चतम असमानता वाले देशों में रखता है। तो इस प्रकार अब असमानता से क्या हुआ है, इसकी क्या प्रकृति हुई, तो प्रांत प्रांत की शिक्षा में अंतर हुआ। भारत देश विभिन्न प्रांतों में बटा हुआ है और शिक्षा का उत्तरदायित्व तो इन प्रांतों पर छोड़ दिया गया। इन प्रांतों की शिक्षा में बड़ा अंतर है। उदाहरण के लिए कश्मीर में संपूर्ण शिक्षा निःशुल्क है, जबकि उत्तर प्रदेश में लड़कों के लिए केवल कक्षा 6 तक और लड़कियों के लिए कक्षा 10 तक निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था। भिन्न भिन्न राज्यों की शिक्षा के स्तर क्रम और पाठचर्या में भी बड़ा अंतर है। कहीं अंग्रेजी को प्रारंभ में ही पढ़ना अनिवार्य है तो कहीं अंग्रेजी को किसी भी स्तर पर अनिवार्य नहीं किया गया। इसका अर्थ है कि संपूर्ण भारतवासियों को शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध नहीं। इसलिए सामाजिक असमानता पाई जाती है। प्रांत विशेष में भी स्थान स्थान के शिक्षा में अंतर पाया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में केवल प्राथमिक और निम्न माध्यमिक विद्यालयों की व्यवस्था है, कहीं कहीं माध्यमिक विद्यालय में भी की व्यवस्था है। इनमें भी प्रायः कला वर्ग की शिक्षा की व्यवस्था है, वाणिज्य और विज्ञान वर्ग की शिक्षा का प्रबंध प्रायः नहीं होता। तो ये शहर क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र की शिक्षा व्यवस्था में तो वाकई अंतर है। तो यह शैक्षिक अवसरों की असमानता का द्योतक है। स्कूल और कॉलेजों के असमान वितरण की बात की जाए तो हमारे देश में बच्चों के लिए स्कूल और कॉलेजों की संख्या भी कहीं अधिक कहीं कम और कहीं बिल्कुल नहीं। कॉलेज और यूनिवर्सिटी तो राजनीतिक दबावों पर ही खोले जाते हैं। किसी भी क्षेत्र में सरकारी और गैर सरकारी दोनों ही प्रकार के स्कूल कॉलेजों का बाहुल्य है और कहीं दूर दूर तक कोई स्कूल कॉलेज दिखाई नहीं देते। स्थान विशेष पर विद्यालय, विद्यालय की शिक्षा मंत्र यहाँ पर स्थान विशेष पर जो भी विद्यालय होते हैं उनके भवन, फर्नीचर, शिक्षण सामग्री, शिक्षकों के स्तर और कार्य प्रणाली में बड़ा अंतर होता है। पब्लिक स्कूलों का तो अपना एक आकर्षण है, तो किस स्थान पर विद्यालय उसका प्रभाव पड़ता है। प्रत्येक स्थान पर विद्यालय नहीं है, जिस स्थान पर वो अगर व्यक्तिगत स्कूल अगर खोले गए हैं तो वो स्थान जो है वो उसके
विकास हो जाता है, उसकी समृद्धि हो जाती है, अगल बगल के लोगों को परेशानी होती है, उसको ये सुविधा नहीं मिल पाती है। अगली असमानता आते हैं कि विद्यालयों में बच्चों से भेदभाव है। प्राइवेट स्कूल पहले जाति और धर्म के आधार पर खोले जाते हैं, उनमें बच्चों को प्रवेश देते समय जाति और धर्म के आधार पर पक्षपात किया भी जा सकता है। प्रवेश के बाद भिन्न भिन्न जाति के बच्चों के साथ साथ विभिन्न प्रकार का व्यवहार किया जाता है। निम्न वर्ग के बच्चों को प्राय घृणित दृष्टि से देखा जाता है, या अगर देखा जाता हो तो वे असमानता को जन्म देते हैं। आगे के विभिन्न दृष्टिकोण। विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक प्राय भिन्न भिन्न धर्मों को मानने वाले होते हैं, उनकी राजनीतिक विचारधाराओं में भी अंतर होता है। परिणाम स्वरूप ये सभी बच्चों के साथ एक साथ व्यवहार नहीं कर पाते हैं, जिससे सामाजिक भिन्नता पाई जाती है और ऐसा हम देखा जाता है। अब कि भारत में जो शैक्षिक अवसरों की समानता की प्राप्ति कैसी होगी, तो शिक्षा की राष्ट्रीय नीति बनी जो बन चुका है, सामान्य और निःशुल्क शिक्षा सबको हो, स्कूल और कॉलेजों की समान का समान वितरण प्रणाली हो, विद्यालयों के स्तर में समानता हो, सभी जगहों पर समान स्तर के विद्यालय खोले जाएं, लड़कियों के लिए भी विद्यालय हो ताकि लिंग असमानता को दूर किया जा सके, उपेक्षित वर्ग के लिए शिक्षा के समान अवसर प्रदान किए जाए, खासकर जो अनुसूचित जनजाति के लोग हैं जो शिक्षा के पहुंच से बहुत दूर हैं, उनको भी शिक्षा के मुख्य धारा में जोड़ा जाए। ये थे आपके बीएड यूनिट 5 समानता से संबंधित टॉपिक सेकेंड और थर्ड टॉपिक फर्स्ट, कल के वीडियो में जा चुका था। विद्यालय शिक्षा में भेदकारी गुण, विद्यालय गुणवत्ता में अंतर, इसको भी हम लोग इसमें डिस्कस कर लिया। अब यूनिट 5 का एक टॉपिक बचा है शिक्षा का अधिकार, कानून विधेयक एवं इसके प्रावधान, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। आशा है इसको आप निश्चित तौर पर देखेंगे और यूनिट 5 से जो भी 3-4 क्वेश्चन आएंगे सक्षम हो जाएंगे सभी क्वेश्चन का सही सॉल्यूशन करने।